नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल और पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं भाई रोहित अलाव जी, जो यूके में बोरो काउंसलर हैं। कैसे हो रोहित भाई? नमस्कार धनवंदर। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हो? बहुत बढ़िया। और सबसे पहले मैं गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स देखने वाले सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हो, जो हरियाणा की राजनीति की बात हो या किसी भी सामाजिक मुद्दे की बात हो, तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एक ट्रस्टवर्दी चैनल है जिसको दुनिया के हर कोने में हर हरियाणावासी देखता है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। शुक्रिया रोहित भाई। रोहित भाई, अक्सर हम बात करते हैं राजनीति में शुचिता की, जी अच्छे लोगों को चुने जाने की, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की। जी तो भारत में तो ये चीज़ अभी तक तो हुई नहीं है और आगे भी भविष्य में भी संभव दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब भी हमारे जो भाई बाहर जाते हैं जी और वो जब यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं कि ये वीआईपी कल्चर बाहर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यूके के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में यूके का सूर्य कभी अस्त नहीं होता बिल्कुल था, सही बात है। कहीं ना कहीं उनका उदय ही रहता था। तो आप यूके गए, अपने काम को सेटल करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, उसके बाद आप वहाँ के नागरिक बन गए। नागरिक बनने के बाद आप वहाँ पर पहले काउंसलर बने, फिर बोरो काउंसलर जी बने, और बोरो काउंसलर जहाँ तक जानकारी है वो एमएलए की कुल वहाँ की पोस्ट जी है। जी जी तो मैं आज चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यूके की राजनीति बेसिकली किस तरह की है। देखिए, यूके की राजनीतिक बिल्कुल डेमोक्रेटिक राजनीति है। अगर आप देखो, जब यहाँ पर हिंदुस्तान पर गोरों का राज था, तो जो वोटिंग प्रणाली आई थी वो गोरे ही इस देश में वो ही ले लेके आए वो थे ही जी। लेके आए थे। जब मैं पहली बार बोरो काउंसिल की अपने उस असेंबली में या उस काउंसिल चेंबर में गया, तो मैंने वही चीज़ पाई जो हरियाणा की विधानसभा में व्हिप लगता है, क्वेश्चन लगते हैं, एक सप्लीमेंट क्वेश्चन जमा होता है। तो वो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि भाई यही चीज़ें हरियाणा की असेंबली में हो रही है। जी और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि सर छोटू राम उस असेंबली में बहुत पहले से हिस्सा ले चुके हिस्सा हैं। ले चुके हैं। लेकिन फर्क जब आता है ना, तो आता है साफ, सभी की राजनीति और बाहुबल की राजनीति, दिखावे की राजनीति, लाल बत्ती की राजनीति। अब जैसे मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, तो इंग्लैंड में जैसे ये जो लाल बत्ती वाला कल्चर है या ब्लू लाइट वाला कल्चर है, वहाँ पर ये सिर्फ तीन चीज़ों को देखने को मिलता है, अच्छा, एक पुलिस की कार पर, एक एम्बुलेंस की कार पर और एक फायर ब्रिगेड की कार पर। बस बतिया बस इन पे है। बतिया इन पे है। और जो वीआईपी सिक्योरिटी होती है, वो सिर्फ एक तो राजशाही परिवार को मिलती है और अच्छा एक प्रधानमंत्री को भी, शायद दो गाड़ी आगे और दो गाड़ी पीछे, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती इससे है, ज़्यादा नहीं इससे है। ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे जो राजनीति है, जी अपना जो लेवल है राजनीति के, जी अपने सबसे पहले आती हैं पंचायत व्यवस्था। जी जी पंचायत व्यवस्था में आप पंच बनोगे, सरपंच जी बनोगे, ब्लॉक समिति के वो चेयरमैन बन सकते हो, सदस्य बन सकते हो, फिर जिला परिषद के सदस्य बनते हो, फिर जिला परिषद के चेयरमैन वाइस जी जी चेयरमैन बनते हैं। ऐसे ही शहरों में पहले आप नगर पार्षद बनोगे, फिर डिप्टी सीनियर प्रेसिडेंट नगर निगम, बनोगे, नगर हाँ, पार्षद, फिर ये चेयरमैन बन जी सकते हो, फिर आप विधायक बन सकते हो, और विधायक से आगे आप मंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो, और सांसद बन सकते हो, फिर मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन बन सकते हो। सकते। तो जो और बहुत सारी अपने यहाँ पार्टियाँ हैं जी जी रजिस्टर्ड, जी जी तो यूके में ये कैसा सिस्टम है? देखिए, यूके का जो सबसे बेसिक चुनाव है वो है टाउन काउंसलर का, अच्छा उसको टाउन काउंसलर भी बोलते हैं, कुछ पैरिश काउंसलर भी बोल देते हैं, जैसे हमारे यहाँ एमएलए और एमएलसी बोल देते हैं। ठीक जैसे है, हरियाणा में एमएलसी नहीं है, लेकिन यूपी और बंगाल में एमएलसी है। एमएलसी तो नहीं वो है, टाउन काउंसलर राजनीति का पहला कदम होता है, ठीक है। जो सौभाग्य से मुझे प्राप्त हो चुका अच्छा, है, आप बन गए थे वो बन गया टाउन, था, मैं लास्ट ईयर में बन गया कहाँ था। से बने आप? ये वोकिंगम काउंसिल का अर्ली टाउन काउंसिल है, उसमें मैं, मेरा होगडन वार्ड है, अच्छा और तो मैं वहाँ से पिछले साल पहला भारतीय था जिसने वो चुनाव लड़ा और वो जीता। जीते। ओगडन में कितने वोट हैं आपके? जो होगडन वार्ड था उसमें 4,000 वोट थे, क्योंकि टाउन काउंसिलर का ठीक चुनाव है, था। और 4,000 वोट पूरे पोल होते हैं, कितने नहीं, होल जो उसमें 46 पॉइंट कुछ% मतदान हुआ मतदान था, करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते लोगों पर? वो क्या है कि एक, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तो वहां के लोगों को ये पता है कि ऑल आर सेम, अच्छा सब एक हैं, और वहाँ डेवलप्ड कंट्री है, बिजली पानी शिक्षा मेडिकल वो उनको सब मिलता कुछ है है, उनके सब पास। कुछ उनके पास। तो वो
जब नेशनल इलेक्शन की बात आती है तो मतदान 10 या 15% बढ़ जाता है, लेकिन लोकल चुनाव में 52-50% का ही रहता है। वोट कैसे पड़ते हैं? वोट ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और एक आपके दर्शकों और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पर 3 तरह से आप वोट डाल सकते हो। अच्छा, जैसे क्या होता है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद बोला जाता है कि अगर आप मान लो आज हरियाणा में 1 तारीख को वोट होनी है और 1 तारीख को आपको किसी काम से कहीं और जाना है और आप वोट नहीं दे पाते, तो उसमें क्या होता है, 15 दिन पहले आप अपनी पोस्टल वोट कर सकते हो। पोस्टल वोट रजिस्टर कर दो, आपके घर पे जो काउंसिल है, जो इलेक्शन कमीशन अगर मैं वहाँ का बोलूँ, वो आपके घर बकायदा एक सील एनवलप भेजेगा, उसमें बैलेट पेपर होगा और उसमें रिटर्न भी उसमें ही होगा। आपको कोई पैसा या स्टैम्प कुछ नहीं लगाने है, सिर्फ आपको अपना टिक लगाना है पेंसिल से या काले पेन से, किसी से भी फोल्ड करके किसी भी नियर बाय डाकखाने में आप उसको डाल दो। पहला तो होगा जी ये। दूसरा वहाँ बोलते हैं अप्रोक्सी वोट, कि आप नहीं जा पा रहे हो और कोई कारणवश आपने पोस्टल वोट टाइम पे रजिस्टर नहीं की थी, तो आप किसी को भी ये अधिकार दे सकते हो कि मेरे बिहाफ पे मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे मत का प्रयोग कर सकता है। अच्छा, वो जाके डाल दो वोट, वो जाके डाल दो, उसको प्रोक्सी वोट बोलते हैं कि भैया किसी और के नाम की वोट डालने आया। तीसरा होता है फिर बैलेट बॉक्स वाला चुनाव जो। और मजे की बात ये है धर्मेंद्र भाई कि वहाँ सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मतदान होता है। वेट करते रहते हैं कोई आ जाए। वो वेट इसलिए करते हैं कि वर्किंग डेज में चुनाव होता है, कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती है, बच्चों का स्कूल होता है और वहाँ पे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में कपल वर्किंग का कल्चर होता है, तो सभी काम में बिजी होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्कूल में बच्चों को छोड़ने से जाने से पहले ही 7 बजे हम वोट करके चले जाए, ऑफिस जाने से पहले। कुछ जो भाई बाद में लेट आते हैं 5 या 6 बजे के बाद, तो आराम से आप 10 बजे तक वोट करके आ सकते हो। अच्छा, तो रिजल्ट अगले दिन? रिजल्ट जब जो कई काउंसिल में ऐसा होता है कि 10 बजे ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके 1 घंटे के बाद जो एक हमारा काउंटिंग स्टेशन बनता है वहाँ हो जाती है, और कुछ का अगले सुबह ही हो जाता है, तो उसमें 10 दिन भारत की तरह लंबा पीरियड नहीं जाता। तो वहाँ लोग पार्टियों के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं? जी, वहाँ पर जैसे कि अभी 2 मुख्य पार्टियाँ हैं, लेकिन इस चुनाव में 2 और थर्ड, अगर यहाँ की भाषा में बताऊँ, थर्ड फ्रंट फोर फ्रंट वो भी उभर के आए। लेबर पार्टी होगी एक, तो लेबर मेन है जो अभी वहाँ की नेशनल पार्टी है, जो सत्ता में अभी जिन्होंने 4 जुलाई को सत्ता हासिल की है और बड़े बहुमत से की है, और उस चुनाव में हमारी काफी किरकिरी हुई और बड़ी हार। दूसरी पार्टी, मैं कंजर्वेटिव पार्टी। तो आपकी पार्टी धराशायी होगी? बिल्कुल धराशायी होगी, मतलब ऐतिहासिक हार हमारी हुई है इंग्लैंड की राजनीति में। और 2 पार्टियां कौन सी खड़ी हुई? एक लेबर है, जो लेबर पार्टी वहाँ की मेन पार्टी है, और लेबर पार्टी एक समय जो प्रवासी होते थे उनकी पार्टी होती, जैसा उसका नाम बता रहा है लेबर, वो मिडिल क्लास वर्कर्स। तो फिर भारत भी उसी में आता है? हाँ, भारत उसी में आता है। तो एक समय था कि जब एशिया के जितने भी वहाँ रहते थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और अफ्रीकन कंट्रीज, वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर लेबर पार्टी के लिए होता था। अच्छा, कभी से, क्योंकि वो माइग्रेशन वालों के फेवर में रहती थी। लेकिन 2019 में जब भारत में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जब ये आर्टिकल 370 की धाराएं जम्मू कश्मीर से हटाई गई, स्पेशल राज्य का उसको दर्जा दिया गया, तो उस वक्त क्या हुआ कि पाकिस्तान की कम्युनिटी ने, जो लंदन शहर का जो मेयर है वो पाकिस्तानी ओरिजिन से है, साजिद खान, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि वो शायद अगस्त के 2 या 3 अगस्त को हमारी भारत सरकार ने फैसला लिया था कि भाई आज से जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हमने हटा दी, तो उन्होंने बड़े एक पैगाम दिया कि भाई हम, हमारे जो मुसलमान भाई जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉल की कि भाई जो भारतीय दूतावास इंग्लैंड में स्थित है, लंदन के बीच में स्थित है, हम उसका घेराव करेंगे 15 अगस्त को, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय दूतावास के सामने हुआ और काफ़ी संख्या में पाकिस्तान मूल के नागरिक वहाँ इकट्ठे हुए, भारतीय दूतावास पर अंडे, बियर की बोतलें, पत्थर काफ़ी फेंके गए। तो फिर क्या हुआ, जो भारतीय लेबर को सपोर्ट करते थे उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई ये
जो लेबर का मेयर है लंदन में, ये उसकी एक साजिश थी, क्योंकि अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट की तो वो लेबर से कट गए लोग, तो भारतीय वोटर जो था वो एकदम लेबर कंजर्वेटिव में शिफ्ट हो गया। तो फिर दिसंबर में चुनाव होते हैं कंजर्वेटिव के, और कंजर्वेटिव पार्टी ऐतिहासिक फर्स्ट टाइम पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती है। अच्छा, तो ये है जो इंडियन वोटर शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा, पहले लेबर में रहते, पहले लेबर में रहते थे। तो जैसे आप बोरो काउंसिलर बन गए, कितने मेंबर होते हैं आमतौर पे चुनाव में, जैसे चुनाव लड़ते हैं? बोरो काउंसिल चार ही लोग थे फिर आप? नहीं नहीं नहीं, चार नहीं थे, धर्मेंद्र भाई इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। वहां क्या होता है, एक वार्ड से वो तीन मेंबर बनाते हैं। अच्छा, तीन मतलब वहां की डेमोक्रेसी की खूबसूरती को आप समझने की कोशिश करना। अब वहां से एक वार्ड से तीन काउंसलर बनते हैं, वो तीन काउंसलर किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अच्छा, वो तीन कंजर्वेटिव के हो सकते हैं, मतलब एक वार्ड में तीन काउंसलर होते हैं, तीन काउंसलर होते हैं। अच्छा, तीन काउंसलर होते हैं, तीनों की सेम जिम्मेदारियां होती है, लेकिन वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अच्छा, अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। और मुझे एक ही बात बताता हूँ, आप अपने ही पार्टी वाले के साथ भी लड़ रहे होते हो। अच्छा, हाँ वो सेम है तो लड़ ही रहे, सेम है तो लड़ ही रहे होंगे। तो वहाँ पर जैसे कि कंजर्वेटिव के हम तीन थे, लेबर के तीन थे, लिब डिम जो थर्ड फ्रंट लिबरल डेमोक्रेटिक बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन कभी नेशनल पॉलिटिक्स में वो अपना वजूद कायम नहीं कर पाई, लेकिन इस बार ही उन्होंने 72 सीटें जीती हैं जनरल इलेक्शन में, बड़ा बड़ा। हाँ, क्योंकि जो हमारा वोटर है वो कंजर्वेटिव को छोड़ के लेबर को वोट नहीं कर सकता, लेकिन इस बार उनको गुस्सा था तो उसने वो लिब डिम को और जो थर्ड फ्रंट एक रिफॉर्म यूके पार्टी आई थी उनको दे दी। मजे की बात क्या है धर्मेंद्र भाई, जब 2019 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे तो लेबर का वोट प्रतिशत अब के मुकाबले 2% ज्यादा था। अच्छा, 2019 में, इस बारी 2% कम हुआ है लेकिन सीटें ज्यादा है। तो जो हमारा वोटर था वो सीधा का सीधा तीसरी पार्टी या चौथी पार्टी के तरफ, आप लोगों के वोट डिवाइड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका उतना ही है। जी जी जी। और जैसे बोरो, ये आपका जो सवाल बीच में रहेगा था, काउंसलर, काउंसलर के बाद में बोरो काउंसलर, बोरो काउंसलर कौन चुना जाता है? बोरो काउंसलर क्या होता है कि जैसे टाउन काउंसिल होगा छोटा सा एक नगर परिषद, और जो जो नगर परिषद होता है वो बोरो काउंसिल के अंडर आता है। अच्छा, उसमें बहुत सारी टाउन काउंसिल, हाँ उसमें बहुत सारी टाउन काउंसिल होती है। जैसे मेरा एक अर्ली टाउन काउंसिल से, मेरे से लगता है छोटा शहर है वुडली, वुडली टाउन काउंसिल है, लेकिन वुडली अर्ली ये सब वोकिंग बोरो के अंडर आते हैं। अच्छा, ये ऐसे मिला सकते हो आपकी सारे जिले मिला के हरियाणा बन गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ बोरो का चुनाव भी लड़ा, जीता। उसमें कौन वोट करता है बोरो के? उसमें वही लोकल वोटर होता है, लोकल वोटर, लोकल वो भी बोरो काउंसिल सीधा ही वही चुनता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चुनाव वहाँ लोकल मतदाता वोट करता है, लेकिन जो काउंसलर कैंडिडेट पार्टी जो बनाती है उसकी वोटिंग इंटरनल पार्टी में बकायदा बैलेट से होती है। अच्छा, कैंडिडेट बनाना, कैंडिडेट बना भी बता, जितने जैसे कांग्रेस ने भी आप आवेदन मांग रखे हैं, तो इनमें से कोई एक चूज करना हो तो वो सारे उनके वोट करवा लो, वो एक चूज करेंगे। देखो वहाँ क्या होता है धर्मेंद्र भाई, आप एक रजिस्टर्ड मेंबर होते हो किसी पार्टी को, यहाँ भी होता है कि मैंने भाई एक आम सदस्यता ले रखी, पर्ची कटवा रखी, पर्ची कटवा रखी है, पर्ची वहाँ भी कटती है, लेकिन उस पर्ची की वैल्यू बहुत है वहाँ पर। जब मैंने वोकिंगम बोरो काउंसिल के लिए आवेदन किया तो मेरे साथ 6 या 7 और कंजर्वेटिव के मेंबर थे, और हमें तीन को ही फाइनल करना था। ठीक है, तो मुझे तो कंफर्म था कि मैं तो फाइनल हूँ, क्योंकि वो उस गढ़ को, उस किले को मैंने तोड़ा था, क्योंकि जिस वार्ड से मैं जीता वो ओपोजिशन का मेन वार्ड था। अच्छा, और अब उसी वार्ड का जो काउंसिलर था वो MP बना है, तो आप ये सोच सकते हो कि उनका कितना बड़ा होल्ड उस वार्ड पे रहा होगा। तो अब उन्होंने वोटिंग की, तो क्या होता है जब वोटिंग में जितने भी उस एरिया के रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स हैं उनको बकायदा चिट्ठी लिखी जाती है, ईमेल भेजी जाती है कि हम उस डेट को अपने लोकल कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, आप आइए। और उन वो हमसे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, पार्टी का चेयरमैन बैठता है, और वो पर जब तक आप उनके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं जवाब दोगे तो वो आपके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि भाई उन्होंने चुना है,
अब हमारे हरियाणा में मैं देख रहा हूँ लोग चाहते किसी और को एमएलए बनाना है लेकिन टिकट कोई और टिकट ले कोई और ले जी आएगा। या तो कोटा सिस्टम है ना। बिल्कुल, कोटा नहीं है, पैट सिस्टम है कि भाई ये कर दिए ये चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, मजबूरी भी हो जाती है कई बार लोगों को। जैसे कोई कांग्रेस को वोट देना चाह रहा है और कैंडिडेट पसंद का नहीं आया, फिर भी देना पड़ता है उसको वोट, क्योंकि धर्मेंद्र उसकी पसंद का कैंडिडेट तो था नहीं पर उसको टिकट मिल गई तो क्या देखो, करे वो। मैंने 1 मिनट पहले क्या बोला, वहां पार्टी 3 कैंडिडेट उतारती है। उसका कारण यह है कि अगर गलती से हमने किसी एक कैंडिडेट को दिया है तो तुम 2 कैंडिडेट को जिता दो, उसको रहने दो। उसके रहने का ठीक बात है। तो फिर बोरो काउंसलर से ऊपर की क्या पद है फिर वहां पे, उसके बाद एमपी का इलेक्शन होता है सीधा। सीधा है। हाँ जी, अच्छा, एमपी के इलेक्शन के अस्सी तो एक है बोरो काउंसलर का कोई एक चेयरमैन नहीं होता कोई। चेयरमैन होता है जी, जैसे अच्छा बकायदा अपने यहाँ तो उसको सीएम बोला देते हैं ना, अच्छा बोरो तो काउंसलर मिलके फिर एक चेयरमैन चुनता चेयरमैन है। बनाता है। अच्छा, वो किस पार्टी का बना वहां वो पे। हमारी ओपोजिशन पार्टी का बना हुआ है, वो 54 मेंबर की हमारी ये बोरो काउंसिल है हाँ और हमारे 18 हैं, अच्छा और मेजोरिटी में तो वो भी नहीं है, हाँ लेकिन उन्होंने 6 का समर्थन, लेबर से लेके लिबरल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है हाँ उनका वो चेयरमैन है वहाँ। चेयरमैन है वो, काम करता है फेयर ही। वो काम बिल्कुल फेयर करता है, और वहाँ पे क्या होता है जैसे कि मैं मान लो इंग्लैंड से यहाँ आया हूँ और कल को कोई मीटिंग वहाँ होती है और मैं उसमें उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाता हूँ, वो सारी जानकारी वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी कि अच्छा फलाना फलाना काउंसलर इस मीटिंग में नहीं आया, इस कमेटी में नहीं आया, इसने ये सवाल नहीं पूछा, इसने इसका जवाब नहीं दिया, तो पूरा दायित्व तो बनता है। लेकिन मेरी आज तक 1.25 साल मुझे यूके की राजनीति में गया, 100% अटेंडेंस है। अच्छा भारतीय लोग चिपक जाते नहीं हैं। देखो, सीखने को मिलता है, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि भाई मैं अगर लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊं। उसके बाद एमपी है और फिर प्रधानमंत्री है। एमपी और फिर प्रधानमंत्री जी। ठीक है, अब बात करते हैं वीआईपी कल्चर की। जी जी अपने यहाँ तो कोई सरपंच चुना जाता है ठीक ठाक गांव का, जी तो वो भी 2-4 साल में स्कॉर्पियो में घूमने लायक इंसान हो जाता है। जी जी तो राजनीति में कहीं ना कहीं पैसा है, और पैसा इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार है, कोई माने या ना माने इस बात को। बिल्कुल एक विधायक चाहे विपक्षी पार्टी का बनता है, वो 40 लाख की गाड़ी में साल भर में चलने लग जाता जी है। जी जी तो वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है और जो पैसा है, उसमें क्या दूरियां हैं या किस तरीके का वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। देखिए, वहाँ जैसे कि जो एमपी बनता है, क्योंकि सबसे बड़ा पद तो एमपी का ही है, तो एमपी की सालाना 80 से 85 लाख रुपए की उसकी सैलरी होती है और उसके बाद उसकी पेंशन हो जाती है। फिर जो बात आपने की करप्शन की, वहाँ किसी भी पैसे का लेन देन किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं होता। अच्छा जो वहाँ पर सरकारी जो अफसर बैठे होते हैं वो उन्हीं की डीलिंग होती है, उन्हीं का लेन देन होता है। नहीं, काउंसिल तो सिर्फ अपना फैसला दे देती है कि अच्छा हमें ये काम करवाना हमें है, ये चीज बना के दो। हाँ बना के दो या ना बना के दो, वो अधिकारी बता देते कि ये जी बजट है, ये 3 हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सीधे रूप से या इनडायरेक्टली रूप से किसी भी पॉलिटिशियन का पैसे के लेन देन में कोई हिस्सा नहीं होता। अच्छा बिल्कुल, वो वहाँ पर एक जो कहते हैं ना समाज सेवा, उसके तरह की वहाँ की राजनीति होती है। करप्शन का सीधा मतलब वो नहीं है उसमें। कोई नहीं है करप्शन का, कोई भी नहीं है वहाँ पर। तो क्या होता है कि अगर आपने गलती से कोई लाइसेंस भी नहीं ले रखा, मान लो आप किसी पद पे हो और गलती से आपने मान लो वहाँ पर टीवी का लाइसेंस लेना जरूरी होता है, टीवी का। टीवी का, अच्छा चाहे आप टीवी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन आपके घर में टीवी और एंटीना लगा हुआ है तो आपको सालाना उसका लाइसेंस लेना होता है। एंटीना सेट आती हैं अभी वहाँ पे, मतलब एंटीना अगर सेट लगा, टॉप हाँ बॉक्स हाँ आता है वहाँ लाइव लाइव अगर आप अपने घर में या मोबाइल में भी आप लाइव कोई चीज़ चला रहे हो, पे। लाइव अच्छा जिसका प्रदर्शन हो रहा है, हाँ उसके लिए वो आपको परमिशन लेनी होती है। अच्छा, तो मान लो अरिया उसका कोई तो ये जो लाइव, भारतीय आप चैनल देखते हो यूट्यूब पे, हाँ इनके लिए भी वहाँ पे लाइसेंस है। बिल्कुल, आप अगर अपने घर में कोई भी लाइव चीज़ देख रहे हो हाँ, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। और कितने उसका फीस है उसकी। अभी मैंने पिछले ही महीने लिया था, उसकी 17,000 फीस है साल की, अच्छा 17,000 पाउंड नहीं 17,000 रुपये, वहाँ के 170 पाउंड, आपके, 170 एक सौ पाउंड सत्तर पाउंड अच्छा तो वो
लोग लेते हैं आमतौर पे, हाँ लोग लेते हैं क्योंकि वो पता कि अगर छोटी नहीं सी, लेंगे लाइसेंस तो चलेगी नहीं चीज वहां नहीं पे। चलती रहेगी, अच्छा लेकिन आपके पास वार्निंग लेटर आएगा कि अगर अच्छा आपके घर में टीवी है और आप लाइसेंस नहीं ले रहे हो तो हम आपको 1,000 पाउंड मान लो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे, लीगल आपके पास कार्रवाई होगी, और बकायदा एक लेटर आता है कि अब आपके घर पे हम कभी भी छापा मार सकते हैं। अच्छा चैनल कौन से चलते हैं? बीबीसी। नहीं भी अब तो क्या है कि इंटरनेट का जमाना है भाई, हम मैं तो हिंदुस्तान के सारे चैनल देखता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ एक दिन गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को भी मैं वहाँ पर लाइव देखूँ, यूट्यूब की बजाय सैटेलाइट पे देखूँ, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके आपके लिए। तो मैं वहाँ पे अभी बहुत सारे जैसे कि IPTV वगैरह आ गए हैं, तो कई बार तो हम हरियाणा न्यूज़, PTC न्यूज़, इंडिया न्यूज़, सारे चैनल वहाँ ब्रॉडकास्ट होते देखते हैं देखते हैं। हैं। अच्छा मेन वहाँ पर जैसे BBC है या स्काई है तो ये वहाँ के लोकल चैनल हैं, लेकिन आजकल एक इंटरनेशनल पैकेज आता है जिसमें आप भारत के जो नेशनल चैनल्स हैं सोनी के हैं, स्टार प्लस के हैं, जी के, वो भी आते हैं। अखबार लेते हैं लोग वहां पे? अखबार का बहुत क्रेज है धर्मेंद्र भाई, अच्छा पढ़ने का बहुत क्रेज है, घर में आता होकर डालने वाला? घर में डालने का भी होता है, उसके आपको अलग पैसे देने पड़ते हैं, और अच्छा नहीं तो सुबह क्या होता है, सुबह लोग 5 बजे दुकान पे जाके अखबार लेना शुरू कर देते हैं, अच्छा लाइन में लग जाते लाइन हैं, में लग जाते वहाँ हैं, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है ना? बहुत ज़्यादा संख्या है। और मतलब वो चीज़ें मैंने हिंदुस्तान से बाहर निकलने के बाद ही देखी हैं कि वहाँ पर रीडिंग का बहुत बड़ा एक चस्का है, खूब पढ़ते हैं लोग। खूब लगते हैं। मतलब मैंने ऐसा देखा है ट्रेन खचाखच भरी हुई है, और चाहे वो जवान है चाहे एक मध्य उम्र का 40-45 साल का है या 60 साल का है, मतलब वो ऐसे ऐसे करता हुआ किताब पढ़ता हुआ रेल से सफ़र करता है, टाइम वेस्ट की कोई चीज़ उनके उसमें है नहीं। नहीं अब तो मोबाइल ही देखते होंगे वहां भी, नहीं मोबाइल का प्रेफर मोबाइल देखते हैं लेकिन बुक रीडिंग आज भी लोग वहां प्रेफर करते हैं। अब मैं जब तक पढ़ आई थी और नंबर चाहिए हो करते जब तक मैंने किताबें पढ़ी, हाँ, उसके बाद नहीं पढ़ी। उसके बाद नहीं मैं पढ़ी। तो एक दोस्त है मेरे, प्रोफेसर हैं कॉलेज में, मैंने उनसे पूछा सही सही ईमानदारी से बताओ कि लास्ट टाइम आपने कोई एक अच्छी किताब कब पढ़ी थी, बोला जब प्रोफेसर लगा मैं उस दिन के बाद मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है। ये सच्चाई है धर्मेंद्र भाई। और क्या होता है जैसे आज की डेट में लोगों को क्या लगता है, जो जब से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है ना उसी को सच माना जा रहा है, जो बड़े लेखक मोमबत्ती में लांटन में बैठ कर जो किताब लिख गए हैं, जो तजुर्बा लिख गए हैं, वो लोग ना तो पढ़ना चाहते हैं ना उससे वो ज्ञान कोई लेना। मतलब नहीं है, अब तो इस पे ज्ञान आ जाता है, ज्ञान, सारा ज्ञान देते रहते हैं मैं लोग। अपना एक तजुर्बा शेयर करता हूँ धर्मेंद्र भाई, परिवर्तन कैसे होता है। मैं 2021 के आसपास 22-21 में यहाँ सापलागढ़ी में एक प्रोग्राम था सर छोटू राम जयंती का, बसंत जयंती का प्रोग्राम, आपको पता है उनकी अब बसंत सरस्वती पंचमी को बसंत मनाते हैं पंचमी उनका उनका, जन्मदिन। तो मैं वहाँ 16 फरवरी को आया हुआ था, तो वो एल आवत खाप उस प्रोग्राम को कर रही थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया। तो उन्होंने मुझे जो भेंट करते हैं भाई, शाल उड़ा दिया, पगड़ियों पर आदि या कुछ भी, उन्होंने मुझे सर छोटू राम की किताब दी। मतलब बरसों बाद किसी ने मेरे को एक पुस्तक तोहफे में या एक भेंट में दी, तो मैं उसको लेके गया, और मैं ना यहाँ से जब इंग्लैंड की फ़्लाइट पकड़ी, 8 घंटे की फ़्लाइट थी, तो मैंने सोचा यार फिल्म देखूँगा गाने सुनूँगा, मैं क्यों ना इस सर छोटू राम जी की किताब ने पढ़ लेते हैं। पढ़े लूँ। मैंने सर छोटू राम की किताब पढ़ी धर्मेंद्र भाई, तो उस किताब में पढ़ने के बाद वहाँ से मुझे 3-4 रेफरेंस और मिले किताबों के, जो सर छोटू राम ने एग्जाम्पल दे रखे थे या हिस्ट्री की बातें कर रखी थी। जैसे एक उन आप तो वैसे मैं देख रहा हूँ आपकी तो बड़ी लाइब्रेरी है कि भाई एक सीकर में महायज्ञ हुआ था, सर छोटू राम गए थे, बताई थी जी एक उसको, वो जगदेव सिंह सिद्धार्थी जगदेव सिंह सिद्धांत जी थे। सिद्धांत जो बराणा गांव के अलावत थे, हाँ ठीक है। फिर मेरे को ना एक अंदर से जिज्ञासा हुई, फिर मैंने यहाँ से हरियाणा से अमेजन से बहुत सारी किताबें मंगवाई। फिर आदत लगी। देखो एक चीज़, आपको एक किताब किसी ने गिफ्ट दी, हाँ उससे आप दोबारा किताबों से जुड़ गए। किताबों हाँ की खूबसूरती ये है हाँ कि वहाँ जुड़ाव करती हैं वो इंसान। फिर आपका एक बारी मैंने फेसबुक पे लेख पढ़ा कि कोई भी अच्छी पुस्तक मुझे मिल जाती है तो मैं जब तक नहीं सोता जब तक मैं उस पुस्तक को पूरा पढ़ ना पढ़ने लूँ, लेता है जी। ये आपने कई साल पहले हाँ जी, लिखा अब था भी फेसबुक। आदत है मेरी ये। हाँ, तो वो मेरी आदत वहाँ से पड़ गई। फिर मैं एक दिन ऐसे ही फिर मैं पहुँच गया पढ़ते पढ़ते भगत सिंह पे,
कि भगत सिंह को भी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। लास्ट में फांसी टूटने पांच पर, हजार के करीब किताबें उन्होंने पढ़ी हाँ, दोनों। वो लेनिन और उसको पढ़ते पढ़ते ही वो मरे थे। फिर वहाँ से मैंने, उन्होंने कोई बायोलॉजिकल उस पर लिखा था, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक बार इंटरेस्ट बना लेते हो ना सच्ची नीयत के साथ, तो वो लत लग जाती है। अच्छा, अब दोबारा लौटते हैं हम विषय पे। वीआईपी कल्चर की बात हम कर रहे थे। जैसे आज के दिन मुझे प्रधानमंत्री से मिलना हो तो लगभग नामुमकिन चीज़ है, आप नहीं मिल सकते। इवन आपको एक आम आदमी अगर चाहे कि मुझे मुख्यमंत्री से जाके मिलना है, तो वो भी बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए जी सहज अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, एमपीज हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरह के कल्चर इन्वायरमेंट में वहाँ पे रहते हैं? देखिए, वहाँ पर क्या होता है, एक जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना कि भाई एक दिन कोठी पे विधायक मिल लेगा, एक दिन एमपी मिल लेगा, एक दिन कोई मिल लेगा, वहाँ बोलते हैं लोकल सर्जरी, अच्छा। कि भाई एक दिन लोकल सर्जरी होगी। तो उसमें क्या होता है, जो भी एमपी काउंसलर या जो भी कुछ होता है, वो एक दिन पूरा निर्धारित कर देता है कि आज मेरे ऑफिस में ये लोकल सर्जरी है, आप वहाँ पे आके मिल सकते हो। अच्छा। लेकिन अब आईटी का ज़माना है, तो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास ईमेल्स आती रहती है, मेरे लोकल रेजिडेंट्स की ईमेल आती रहती है, मेरे ऑफिस की ईमेल आती रहती है। तो अगर चाहे एमपी है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे मिनिस्टर है, वो किसी भी कुर्सी पर बैठा है, अगर आप उसको ईमेल करोगे, तुरंत उस ईमेल का जवाब मिलेगा। उसमें आपको ये बोल दिया जाएगा कि भाई एक हफ्ते में या 10 वर्किंग डेज में जो भी आपने क्वेरी डाली है, हम उसका जवाब लिखित में देंगे। कोई भी बात है तो अब जवाब मिलेगा आपको। कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो ये कह दे कि सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, देगा लेकिन जरूर। जवाब जरूर आएगा। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो ईमेल एक्सचेंज होती है, वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। यहाँ के नेताओं की तरह नहीं है कि माइक पे एक बारी कुछ बोल दिया, कल को वो देवल जो जुमला था हाँ, 15 लाख अमित शाह जी तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको बाद में वो कह देते हैं ये पॉलिटिकल जुमला था। हाँ, तो लेकिन जब कोई चीज़ रिटर्न में आ गई, तो आप उसको जुमला नहीं कह सकते, वो लिखित में आ जाती है। फिर क्या होता है, वो ईमेल ट्रेल बन जाता है। अब आप उसको दोबारा से मेल डालोगे कि भाई पिछली बारी आपने ये मेरे को वादा किया था, अब इसका आगे जवाब क्या है। तो क्या होता है कि वहाँ पे उसकी जवाबदेही बनती है हर चीज़ की। और बकायदा जब चुनाव प्रचार भी होता है, तो आपके नाम का घर पे लेटर आता है। और वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन से पहले ही डाल दिया जाता है कि भाई अगर आप हमारे मैनिफेस्टो में या आप हमारे कैंडिडेट से खुश नहीं हो, तो आप इस ईमेल पे हमें रिपोर्ट कर दो। अच्छा, मैनिफेस्टो को कितना फॉलो करते हैं? अपने यहाँ तो मैनिफेस्टो बस कहने के लिए होता है। देखिए धर्मेंद्र भाई, 80 से 95% मैनिफेस्टो फॉलो हो जाता है, 5-10% क्यों नहीं हो पाता कि वहाँ पर भाई, जैसे सबसे बड़ी खूबसूरती इंग्लैंड की जो है, आप बेशक किसी पार्टी के मेंबर हो, लेकिन आप उस मैनिफेस्टो से खुश नहीं हो, कोई नया बिल आ रहा है, तो आप अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन में खड़े होकर ये बोल सकते हो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा ना सर। कोई बुरा मानेगा, वो ये कहता है कि भाई मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग ये नहीं चाहते, तो मैं इसमें आपका समर्थन नहीं दूंगा। जो ऋषि सुनक जी की जो हार हुई थी, उसका कारण यही था। अच्छा। वो बहुत सारे बिल ऐसे लाना चाहते थे कि जो इंग्लैंड के लिए अच्छे थे, लेकिन कुछ जो बैक बेंचर्स एमपी जिनको बोलते हैं, वो उनको वो पसंद नहीं थे, तो वो कई कानून ऋषि सुनक जी बना ही नहीं पाए, बनाए क्योंकि पाए उनको अपनी ही पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला नहीं था। मिला था। अच्छा। तो ये खूबसूरती है, अब यहाँ पे कोई सरकार का विधायक या एमपी अपनी सरकार की खिलाफत कर सकता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है भारत की राजनीति का और विदेशी राजनीति का। और वो वहां तो पार्टियां करने पे भी पद चले जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, चले जाते हैं। हमने एक प्रधानमंत्री खोया है, जो बोरिस जॉनसन बोरिस है जॉनसन। वो भारत के दामाद हैं, कहते हैं उनको, ऐसा हाँ, कह उनकी दो या तीन देते पीढ़ियाँ हैं पहले कोई कलकत्ता में उनका कोई रिश्ता है, उनके परदादी या दादी ऐसी है उनकी। ना। अब वो क्या था कि एक कैबिनेट मीटिंग थी कोरोना के टाइम पे, 2020 की बात है, और उन्होंने उससे पहले ये कह दिया था कि भी किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग्स नहीं होगी, सोशल डिस्टेंस होगा। वो लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद भाई वहाँ पे, अब जैसे हम यहाँ घर पे बैठे पानी पी रहे हैं, वहाँ ड्रिंक कल्चर है,
कोई मरा हो तो ड्रिंक करनी, कोई पैदा होया तो ड्रिंक करनी, मतलब कोई भी हो तो ड्रिंक तो नॉर्मल मतलब चीज़ खुशी और गम का हर एक एक ही बहाना है। है, हाँ ड्रिंक करनी है। ड्रिंक करनी है। तो उन्होंने एक एक बियर पी ली और पता नहीं किसने कहाँ से वो फोटो ले लिए, और लोगों को मतलब ये बात चुभ गई कि भाई हमें तो घर पे पैक कर दिया, और तुम बियर पी तुम रहे बियर हो। पी रहे हो। तो वो मतलब बहुत मल्टीपली, तो इसी सिर्फ एक कारण देख लो, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना पड़ा। अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे खुश हैं लोग। कीर स्टारमर देखो अभी उनको 2 महीने हुए हैं, एक और थी ना लेडी, क्या नाम था लिज उनका, ट्रस थी, नहीं लिस्टर्स। लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के बाद आई थी, अच्छा और लिज ट्रस 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री रही हैं, इंग्लैंड की सबसे कम दिनों की प्रधानमंत्री लिज ट्रस रही हैं। उनके बीच में और ऋषि सुनाक के बीच में वहाँ पर चुनाव हुआ था, इंटरनल चुनाव हुआ वो था, उन अभी की पार्टी की हमारी ही थी। पार्टी की थी वो। तो लिज ट्रस को मतलब क्या था कि वो हमारे इंटरनल चुनाव में वो जीत गई थी अच्छा फिर, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने जैसे ही वो इम्प्लीमेंट किए तो एक यूके की इकोनॉमी धड़ाम हो गई थी। जो ऋषि सुनाक ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी तो उन्होंने उसको अपोजिशन बनाया था कि ऐसा नहीं, हमें तो ऐसा करेंगे, वो एक ही महीने में उन्होंने सब कुछ ठप कर दिया, मुड़े मिट हो गए। मलियामिट कर नुका अनक मतलब कति डबो दिए, हाँ तो कति डूब गए उसको थे, जाना पड़ा उसको फिर। जाना पड़ा एक ही 1.25 महीने में। और फिर ऋषि सुनाक ने भाई कमान संभाली। तो मतलब अब क्या था, वो घर की कड़े ने, मारी घर की कड़े थी, बोरी जॉनसन ने घूट पी ली, लिज ट्रस ने भाई इकोनॉमी डबो दी, ऋषि सुनक ने संभाल ली। वहां के किसी प्रधानमंत्री से मिले आप? मैं थेरेसा में से मिला हूँ, थेरेसा में से। उनका तो काफी नाम है, अच्छी लेडी है उनकी। काफ़ी अच्छी बोल्ड लेडी है वो। अगर मैं जैसे इंदिरा गांधी की एक छवि है वहाँ पे उनकी राजनीति में है, मेरे घर के पास ही रहती हैं, अच्छा और जैसे आपसे बैठ के बातें हुई हैं ऐसी मेरी उनसे बैठ के बातें भी हुई हैं, सिंपल बहुत साधारण लेडी। बिल्कुल सिंपल साधारण लेडी हैं। जैसे मैं आज अभी मैंने गेट खुड़खड़ाया तो आप बोले आजा रोहित भाई, ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने, मैं कहीं बैठे थे उन्होंने गेट नोक किया तो बोली कौन है, बोली स्मी, तो बोले अंदर आ जाओ, तो ऐसा नहीं था जी 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 आ जाओ जो बैठो बैठो बैठो, आई खड़ी हुई बात किया। और इस चुनाव में हमने हमने काफ़ी एक साथ काम किया है, काफ़ी अच्छी लोड़ी है, लेकिन अब उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी है, अब क्या करते हैं वो, बस आराम। वो आराम करते हैं क्योंकि वो फिर वो क्या होता है ना, मतलब किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ जाती हैं, किसी बड़ी पढ़ाने एसोसिएशन, लग जाते किसी हैं। बड़ी एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं, फिर उनके आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो भाई आप देश के होम सेक्रेटरी रह चुके हो, प्रधानमंत्री रह चुके हो, तो बैक बेंचर बनने का फ़ायदा क्या, जितना बड़ा पद आप ले चुके हो तो आप आराम से बैठे हो। और एक बड़ी खूबसूरत बात और क्या है इंग्लैंड की राजनीति की, अगर आप किसी के नाम पर एक बारी चुनाव लड़ लेते हो तो वो अगर वो हार जाता है तो दोबारा उसके नाम पर चुनाव नहीं लड़ते, दोबारा चुनाव ही नहीं लड़ते? उसके नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लीडर नहीं होगा, अच्छा ऐसा और नया आएगा। नया लीडर आएगा, नई 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 टीम आएगी, नया लीडर आएगा। अभी मैं इसके कैमरे के बाद आपको ईमेल्स दिखाऊंगा। तो अभी जैसे ऋषि सुनाक जब हमारी प्रधानमंत्री की हार हुई है वहाँ पे, तो उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में बोला कि भाई मैं अब अपना जो टीम लीडर हूँ जो कंजर्वेटिव का, मैं उससे भी इस्तीफा दे रहा हूँ, जब तक नए लीडर का चुनाव नहीं हो लेता, वो अपना कार्यभार नहीं संभालेगा, तो मैं जब तक एक बस कार्यभारी टेम्परेरी काम, टेम्परेरी काम वो करता तो कह रहे रहूँगा। हैं अमेरिका जा रहे हैं ना। हाँ हाँ वो जा वो देखो उन्होंने नागरिकता छोड़ी भी नहीं थी अमेरिका की। नहीं, नहीं, उनके पास ग्रीन कार्ड है। तो वो क्या है कि ऋषि सुनाक किस्मत के धनी थे, जैसे मैं आज काउंसलर बना हूँ, कल को आप बन जाओ। अरे वो तो कल की बात है, वो उनका कोई लंबा राजनीतिक जीवन नहीं रहा है ना, वो एक बहुत बड़े चेहरे थे। 2014 में वो पहली बार, जो आज मैं काउंसलर बना हूँ ना वही वो बने थे। वही अच्छा वो बने थे, लेकिन किस्मत के धनी थे, वहीं पे पैदा हुए थे, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी थी, नॉलेज अच्छी थी। तो जब बोरिस जॉनसन की सरकार आई तो उनको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मिला था, कोरोना के समय में उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी, आम जनमानस के लिए पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी थी कि लोग उनको पसंद करते थे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, जब तक बहुत सारे रीजन थे जो कंजर्वेटिव से लोग खफा हो चुके थे। क्या पता बोरिस जॉनसन का फोटो वोटो अंदर खाते उन्होंने वायरल कराए हों। देखो ऐसे तो चलता है चल पोजिटिव चलता में। है, मतलब बोरिस जॉनसन ने एक दिन बकायदा मीडिया में यह बात बोली है कि जो ये हंगामा हो रहा है ये ऋषि सुनाक का एक प्री प्लान, हाँ करा होगा, भारतीय तो जुगाड़ हो गए ना। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सब जो आज हो रहा है उसका पीछे ऋषि सुनक है। तो उसने मतलब जब ये हो रहा था कि भाई कंजर्वेटिव पार्टी किसको
प्रधानमंत्री बनाएगी बोरिस जॉनसन की रिप्लेसमेंट में, उसने बोला था एनी वन बट नॉट ऋषि, लेकिन वही बने किस्मत। तो अब अगला चुनाव आप कौन सा लड़ोगे उधर? देखिए एक खुशखबरी मैं आपके चैनल पे दे देता हूँ, अभी पिछले महीने वहाँ एक चुनाव हुआ था चेयरमैनशिप को लेके, पार्टी की चेयरमैनशिप को लेके। तो जैसे हमारी अर्ली वुडली एमपी कंस्टिट्यूएंसी है तो उसमें 80,000 मतदाता है, 80 से 85,000। तो एमपी जो कंस्टिट्यूएंसी है, अब मैं उसका डिप्टी चेयरमैन बनाऊँ। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन बन गए। हाँ, अब जो आगे सिलेक्शन होगा, जो पार्टी की जो भी गतिविधियाँ होगी, तो उसमें मैं एमपी के लिए, मतलब आपका नॉमिनेशन हो सकता है? नॉमिनेशन मेरा पिछली बार ही हो गया था। अच्छा, मैं फाइनल रेस में था, ये बात आज मैं पहली बार ही पब्लिक में बता रहा हूँ। मैं पिछले चुनाव में 7-8 जो उनके दौर थे सब कुछ हो चुके थे, फाइनल में हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो अभी जनरल इलेक्शन 2025 जनवरी में होने थे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पता नहीं किसकी मानी किसकी सुनी और किसा दिमाग भ्रष्ट करा, उन्होंने 7-8 महीने पहले चुनाव करा दिया। तो जो सीटिंग थे जो वहाँ पे करंट थे, तो वो उन्हीं को चुनाव में उतार दिया उतार दिया था। तो लेकिन तो अब अब कब होने हैं वहाँ पे चुनाव? 4 साल बाद होने हैं वहाँ चार पे साल चुनाव। बाद होने, तो अब मतलब उस स्टेप बाय स्टेप चल रहे उधर। जी बिल्कुल, देखो मैं हरियाणा का आदमी राजनीति में एक बार घुस जाए ना, उसको इतना चस्का होता है, वो फिर छोड़ता नहीं लास्ट तक। देखो हरियाणा का आदमी रोडवेज की कुर्सी नहीं छोड़ता। या तो सत्ता। तो लग जाता है तो फिर लग ही जाता है। हाँ, तो लग क्या है, देखो आप किसी भी उसमें घुसते हो, चाहे वो खेल हो चाहे आप मीडिया के काम हो, तो फिर आप उस ऊंचाई तक जाने की कोशिश करो ना भैया। अब जब उखड़ में सर दे दिया तो मुसलते के ढंडा जो देख होगा भाई, चलते जाएंगे। और जब आप जैसे भाइयों के राजनीतिक इंटरव्यू सुनते हैं तो दो पंप हमें भी लग जाते हैं कि भाई चुनाव तो हार जीत का होता है। अब मन से वो भी डर, चुनाव लड़ने वाला नेता होता है। हाँ, हार जीत तो उसका एक पहलू है, पहलू है। तो मतलब देवीलाल को अगर हार जीत के उससे देखोगे तो उन्होंने जितने चुनाव जीते उससे ज्यादा हारे भी। हाँ बिल्कुल, पर वो नेता हैं। आपको शायद याद होगी, मैंने एक बार लंदन से आपसे फोन करके एक जानकारी ली थी। हाँ जी, कि मुझे ये बताओ हरियाणा के जो सबसे बड़े नेता हैं, हाँ, वे चुनाव हारे कितने हैं? हारे कितने हैं? तो चुनाव वो कहते थे खुद भी, नेता वो होता है जो चुनाव लड़ता है, बाकी तो सब कार्यकर्ता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बढ़िया है, आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पे जो एमपी एमएलए हैं वो भों भों करते हुए नहीं घूमते, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं है बात। धर्मेंद्र भाई आप तो एमपी की बात कर रहे हो, वहाँ पर अगर रोड पे किसी एक बंदे ने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया ना, तो इंडिया के हिसाब से वो माँ बहन की गाड़ है। चारों तरफ से सब ऐसे देखने लग जाते हैं कि भाई किसने हॉर्न बजा दिया। और अपने तो कहीं आदत हो बजाने की, बार मैं ही बाहर आऊँ 3 दिन तक, हाँ, मैं हॉर्न ना बजाता तो बाबू जी साथ में बैठे थे, पिताजी बोले भाई इंग्लैंड को ना पोपो कर। तो वहाँ क्या है कि सभ्यता है, साइलेंस है। अब यहाँ क्या होता है, अब मान लो आप फोन पे बात करते हो, बोलता हूँ स्पीकर खराब होगा, स्पीकर तो फोन का ठीक है, जो बाहर की जो ज्यादा पीपी पोपो नॉइस है ना, वो बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ प्रदूषण की बात करते धुए की, कभी किसी ने ध्वनि प्रदूषण की तो बात यहाँ की? शांत रहना तो भारत में थोड़ा सा टेढ़ा काम है। वहाँ क्या होता है कि भाई आप 8 घंटे 6 घंटे की नींद लेते हो ना, तो अगर सिक्का भी गिरेगा तो उसकी भी आवाज आती है। अच्छा, जिसको हमारे मास्टर इंग्लिश में कहा ना पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ हाँ, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। अब वहाँ नींद की भी कदर करते हैं लोग, कोई सो रहा है तो उसको जगाते नहीं, घर के लोग भी ध्यान। यहाँ तो सोते हुए आदमी को उठा के पूछते हैं रोहित सोता के भाई? ये बड़े मतलब यही तो हरियाणा है, हरियाणा की खूबसूरती यही है। मतलब आप जैसा भाई चुटकुले सुनाता है, बोला कोई मरे ओढ़े नर्थी पे, बोला मर गया, बोला है जिंदा हूँ घुमा के लवा। नहीं मतलब, लेकिन क्या है, एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, आपने सवाल तो नहीं किया, देखो हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में क्या हो चुका है, जो पढ़ा लिखा वोटर है ना, अब वो ये कहने लग गया यार राजनीति तो गंदी चीज है, गंदी चीज पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। मतलब आप किसी और किसी से भी बात करो, ये बड़ी गंभीर सी बात कह दी रोहित भाई आपने, क्योंकि राजनीति से विश्वास का उठ जाना है ना, हाँ हाँ, ये पूरे देश के लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखो ऐसा है, मैं राजनीति में हूँ, मैं राजनीति को एक मैनेजमेंट स्किल की तरह मानता हूँ, कि भाई एक स्किल है आपकी चीजों को मैनेज करने की, आप इसको पावर पॉलिटिक्स ना लो। भाई आप घर में अगर आप 5 बंदे हो, आप
बड़े हो तो आप किसी चीज का निर्णय लेते हो, आप इसको राजनीति की बजाय मैनेजमेंट वर्ड यूज करो जी, क्योंकि आप किसी चीजों को सुधारने, घर पे भी कई बार पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, पॉलिटिक्स तो जीवन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। तो मैं बहुत सारे लोगों से, जैसे कई बार बातें होती है, मैं आपके जैसा हूँ, मुझे राजनीति की बातें सुनने में बहुत मजा आता है। मैं मतलब यहाँ आता हूँ तो बैठकों में बैठा रहता, सारे हमारे जैसे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे एक तो हो गए भारत, हाँ भारत में हो गए हरियाणा, यहाँ पे आदमी कुछ करे ना करे राजनीति की बात जरूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सारी उम्र बेरोजगार रह के यहाँ का आदमी काट सकता है, लेकिन राजनीति की बात किए बिना दिन नहीं काट नहीं। सकता। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, बोले कि भाई साहब ये जो हरियाणा है ना, सिर्फ यहाँ 90% लोग राजनीतिक हैं, हाँ, 90% लोग, 90% लोग राजनीतिक हैं, मतलब 2400 घंटे हाँ राजनीति चौबीसों की बात घंटे होती राजनीति है। है। किसी को बेसिक कैंडिडेट का ना पता हो, वो चुनाव चिन्ह पे बहस कर देगा, हाँ, कर देगा। और किसी ने कैंडिडेट का बेरा हो, वो ना चुनाव चिन्ह का ना और खास बेरा। बात यह है कि यहाँ आदमी कितना ही बड़ा चौधरी हो, उसको 1 मिनट में ये कह देंगे कि सर सौदा ही कुछ नहीं कुण बुझ जाए। कौन जाए तो अपने आप मुझे कितना ही बड़ा पड़ रहा हो, हरियाणा का आदमी उसको औकात में रखता है। मतलब क्या है कि एक तो सारे अपने चौधरी, हरियाणा में तो अपने आप ने सब तो बड़े चौधरी मानने हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि अब पिछले 20 साल से, जब से अब हमारे देवीलाल जी, बंसीलाल जी, भजनलाल जी, या जो बड़े जितने भी लीडर हुए ना, जब से उन उनका राजनीति से दूर होना, आओ, जब दुनिया से गए या दुनिया राजनीति से से हो गए, उसकी रुक। जब तक लोग उसको समाज सेवा या एक क्रांति के तौर पर राजनीति देखते थे, अब यहाँ देखते हैं अब कि व्यवसाय है जी ये। व्यवसाय है जी। मतलब मैं किसी से बात कर रहा था, बोला भाई वो तो इंडिपेंडेंट है, 8,000-9,000 करोड़ का मालिक है, 5-7 करोड़, संख्याएं पता नहीं कहाँ से लाते हैं कि वो हाँ 5,000 करोड़ का हाँ आदमी बोला है, पाँच चार सात हजार पाँच करोड़ सात करोड़ घेर भी देगा तो क्या फायदा है। अब मैं भादुरगढ़ में था, हमारे घर पे एक पोस्ट लीफलेट आया हुआ था, पोस्टर आया हुआ था किसी राजनीतिक का, कि भैया आप मेरे नाम का कार्ड बनवाओ, मेरे वॉलंटियर बन जाओ, आपके घर की किसी भी एक बेटी को चांदी का सिक्का दिवाली पे, और किसी भी पुरुष को 2,000 रुपये तक का नगद इनाम, या अच्छा, 2,000 रुपये तक का कोई भी उपहार सिर्फ वॉलंटियर बनने पे। वॉलंटियर बनने पे। तो धर्मेंद्र भाई, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हुआ कि जो बंदे सत्ता में आने के लिए, अब मान लो 50,000 वोटों पे भादुर का विधायक बनता है, एग्जाम्पल है, अगर उन्होंने 50,000 मेंबर बना लिए तो पचास अपने हजार मेंबर बना लिए, तो 2,000 रुपये कितने रुपये हो गए भाई साहब? कितने हो गए, गिनने पड़े हैं मुझे मारी थोड़ा जानत गणने भी ना। संख्या मेरा तो मैथ तो वैसे भी कमजोर है सीधी में मेरी व्याख्या है। तो हाँ अब ये लगाओ, वो बंदे ऐसे राजनीति में, तुमने आप 10, मेरे ख्याल से 10 करोड़ हो गए ना। देख लो, ये तो वो है बनने से पहले के हैं। फिर उसको पता है ना इन्वेस्टमेंट है, बाद में उसको हाँ मालूम होगा। तो ये इसमें क्या है कि मैं तो आप जो काम कर रहे हो ना, आप जैसे साथी अगर और थोड़ी सी मेहनत करें, दो चार आप जैसे और लोग जुड़े ना, तो युवाओं को पॉलिटिक्स में अगर जोड़ा जाता है, समझदारों को, पढ़ा लिखा और पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं होता, समझ होनी समझ चाहिए। होनी चाहिए। देखो, एक तो रोहित भाई, मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि जनता दोष अगर है ना कहीं, तो हम में है और किसी में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम कैंडिडेट को ना देख के उसके पावर, उसकी पॉलिटिकल पार्टी, इनको देख के वोट डालेंगे, तब तक गड़बड़ियाँ हैं भाई। 20 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, हमें ना पार्टी देखनी चाहिए ना ही उसकी पैसा देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए इनमें से कैंडिडेट कौन सबसे अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट अगर कैंडिडेट अच्छे होंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी, है अभी मैं ना। एग्जांपल हूँ आपके सामने धर्मेंद्र भाई, देखिए इंग्लैंड, ना हमारा देश, ना हमारी बोली, ना हमारा कल्चर, ठीक है, और ना मैं वहाँ पैदा हुआ। पैदा हुए। मैंने वहाँ पर, चलो पहला चुनाव हो सकता तुक्का होगा, छोटा चुनाव, मैं इसको अपनी जीत नहीं मानता, पर बोरो काउंसलर में तो आपकी जीत हुई जीत हुई है। है। और जब मैंने ये आपको ये बताया ना कि टॉप 3 जीतने होते हैं, हमारी पार्टी से अकेला मैं ही हूँ, आप अकेले हो, दो दूसरी पार्टियों के। दो दूसरी पार्टियों के हैं, टाउन काउंसिल में भी और बोर में भी। तो अगर लोग पार्टी के हिसाब से वोट देते तो मैं नहीं बनना था, आपने पढ़ने थे। अगर लोग उनके हिसाब से देखते तो हमारे ही बनने थे, लेकिन लोगों ने उनको चूज किया जो उनके बीच में रहते थे। और देखो कितना अच्छा लगता है रोहित भाई, हम बात कर रहे हैं कि आप वहां जाके बोरो काउंसलर बने हैं, आप बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात होती हैं कि देखो हमारे घर का बालक वहाँ,
जब यहाँ हमारे अच्छे लोग खड़े होते हैं हम उनको वोट ही नहीं देते, नहीं हम हमारे बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की, उनको फॉलो करने की, लेकिन हम उस चीज़ को यहाँ लागू नहीं करते। यहाँ पता है क्या है धर्मेंद्र भाई, यहाँ जब कोई बच्चा आगे निकलता है ना, वो कोई भी हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में जाए ना, तो पता है उसके गांव के लोग क्या करने लग जाते हैं, एक आधा दाड़े अंडा करते के भी उठे, दो किले थे इनके, टूटी जूती पैर टूटी हो जूती गई। पैर आता ओरा का जिम में आ करता। ये हमारी है ना मानसिकता पे हावी चीज हो चुकी है हर लेवल हम पे। किसी को कुछ मानते ही नहीं हाँ है। किसी को कुछ नहीं मानते, बाहर का कोई आ जाओ। वो तो कहावत भी है ना, अपने घर का जोगी जोगड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे मैं वहां चुनाव लड़ा तो लोगों ने मेरे से इंडिया की बातें पूछी बहुत सारी, और मतलब जिसके पास धर्मेंद्र भाई थे वो गोरा था, मैंने 10 मिनट अगर बात कर ली ना, उसने लास्ट में मुझे यही बोला कि आप अच्छे इंसान हो, हम आपको वोट दे देंगे। क्यों बोला, उन्होंने मेरे से भाई सारी बातें पूछी, 10 मिनट में वो मुझे पढ़ रहे थे। देख रहे थे भाई कैसा है वो। हाँ न्यू ना है कि भाई एक बार हम ना अट गए रहे हो, बिछो में आगे चला गया। और डोर टू डोर का कैंपेन होता है ना, रैली होती है ना, माइक होता है ना स्पीकर होता है, पंपलेट होते हैं पंपलेट होते हैं। लोग, अब बेल बजाई बाहर आया आपने पंपलेट दे दिया, उसका हाँ मन किया तो बात कर ली, नहीं तो हाँ जाओ आप। हैं अब तो आजकल क्या होगा, कैमरे हो गए उसमें भी, मान लो कोई कट्टर किसी पार्टी का है तो गेट ही नहीं खोलेगा। अच्छा, अब ठीक है, झंडा होता है आपके पास। नहीं वो लीफलेट होता है, मतलब अच्छा। यहाँ पे बैच लगा होता है भाई, हम वो बैच लगा के घूमते हैं, जैसे वो कलर बैच होते हैं हमारा दिख नील, जाता है कैमरे हाँ हाँ पे। नीले रंग का बैच है, क्योंकि फिर आइडेंटिटी आपको बतानी पड़ती है ना। अब कोई ये ना सोचे कि अनजान आदमी कौन हमारी घंटी बजा रहा है, तो आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होता है एक आइडेंटिटी से तो आपकी, बहुत सारे बहुत लोग गेट ही नहीं खोलते। सारे के लोग गेट नहीं खोलते। सर आप डाला ही लीफलेट, वो हाँ देखेगा देख मेरे लेगा। चुनाव जीतने का कारण ये गेट ना खुलना था। अच्छा कैसे। क्या था, पार्टी ने क्या किया, एक निर्धारित होता है, यहाँ नहीं है, जैसे मैं भी आ रहा था, मतलब जैसे ही रोहतक सीमा में बढ़ा तो पहले तो भाई वो जाट संस्थाओं के प्रधानों के फोटो फोटो सारे खंभे, कोई ऐसा खंभा नहीं है पूरे हरियाणा में जिस पर कोई पोस्टर ना हो। हाँ ठीक है, तो वहां पे पब्लिक प्लेस पे तो आप लीकड़ा भी ना खड़ा कर सकते, झंडा तो दूर की बात है, अच्छा। किसी की दीवार पे कुछ नहीं लगा सकते, आपका मन आप अपनी विंडो पे लगा सकते हो, हम नहीं लगा सकते। तो क्या हुआ, पार्टी ने जितने घर थे मेरे वार्ड में ना उतने ही पर्चे गिन के दिए, गिन के एक एक लिखा हुआ आता था कि मान लो ये अपना सेक्टर 14 है, तो सेक्टर 14 मान लो 2000 घर है, तो एग्जैक्ट 2000 पर्चे गिन का है। गिन क्या है। अब वो 2000 पर्चे छे मैं उनके हाथ में दूं, छे मैं उनके डाकखाने में गेरू, छे उनके गेट के नीचे गए गेरू, टुकड़े कर लो, चूंकि बचाने हैं। पहुंचाने हैं। मैंने सोचा भाई अब 3 कैंडिडेट तो हम ही हो गए, अब यो पर्चा मैं गेर के चला गया, उनने के बरा कौन सा गेर गया, उनने मैं तो देखा नहीं भाई, ठीक रहता है, अब हरियाणा की राजनीति तो समझ में आता काम आ गए हैं। काम आ गई। मैं बोला भाई मैं गेर जाऊंगा, उनने भी ना मेरा पटक कौन गेर वे हम गया, किसने वोट देंगे क्या वो। कि ना वोट देंगे। मैंने क्या क्या धर्मेंद्र भाई पेन और कॉपी साथ रखी, जिनके मिल के गेर दिया उनका टिक, जिनके नहीं गेर रखा वे खाली, अगले दिन मान लो तड़के गेट बंद पैसा ने फिर चला गया भाई। मैं बोला जी आप अपना कैमरा देखो, मैं तड़के भी आया था। बोले ओ हाँ हमने नोटिस किया था। मैं कहा मैं तो वे बोले कि इलेक्शन टाइम में ना बोला हमारा डस्टबिन पूरा भर जाता है, सब पर्चे गेर के चले जाते हैं। तो मैं कहा देखो मैं नहीं गेर का जा रहा। बोले हाँ, बोले कि हम पर्चे को नहीं देखना चाहते, हम कैंडिडेट को देखना चाहते हैं। तो वे 2000 पर्चे मैंने 2000 लोगों के हाथ में दिए। हाथ में दिए, काम हो गया, टेक्निक काम हो गया हाँ है। राजनीति तो यही है भाई साहब, मैनेजमेंट है, आप कैसे मैनेज करते हो। अब देखो वे जो दो मेरे साथी थे मेरे टीम के थे, दोनों गोरे थे, वहीं के पैदा हुए वो होंगे, फेंका है अपने पर वो से, फेंका है। उनके लिए बहुत सीरियस भी नहीं होंगे वो इस चुनाव के लिए। नहीं देखो चुनाव तो भाई नहीं हो तो फिर आप रहने दो, पेपर कैंडिडेट बनने की कोई फायदा नहीं होता, मेरा तो एक ही मानना होता है। तो उनका क्या था ना, वो इतना हार्डवर्क करना नहीं चाहते थे। मैंने उनको बोला, मैंने उनको ये बोला कि तुम है ना, हम तीन हैं, हम मान लो तीन पॉकेट अपने डिवाइड कर लेते हैं कि इस एरिया में डोर टू डोर मैं पूरा करूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि उस पोस्टर पे सिर्फ मेरा अकेले का फोटो होता हाँ है, तीनों के थे। तीनों के थे। तो वो समझ में ही नहीं आ रहा उनको। मैंने उनको इलेक्शन से 3 दिन पहले बोला कि भाई ये मेरा एक लास्ट स्ट्रेटेजी है, तो मेरी मान लो। बोले कि रोहित यू आर न्यू इन दिस सिस्टम, वी नो वी आर फ्रॉम 15 ईयर्स। मैं बोला भाई तुम अपनी कर लो, मैं अपनी कर लेता। नया सिस्टम जीत गया, पुराना हार हाँ गया। क्योंकि क्या है ना, बदलाव हर चीज़ का होता है धर्मेंद्र भाई ना। अब पिछले 15 साल से हिंदुस्तान की राजनीति सोशल मीडिया से हो रही है, ग्राउंड लेवल से नहीं हो रही है, और जिसने सोशल मीडिया अपना लिया वो जीत रहे हैं। सही बात है, सोशल मीडिया
इसकी पावर को अगर कोई कम करके आक रहा है तो वो बहुत ही गलत, मतलब उसको सही दिशा नहीं मिली है राजनीति में। नहीं, अभी लेबर पार्टी और हमारा जो इलेक्शन हुआ, एक रिपोर्ट जारी की थी, हमारी पार्टी ने 1.2 मिलियन पाउंड, मतलब आप तकरीबन तकरीबन 12 करोड़ रुपया उन्होंने इलेक्शन पर फेसबुक पर लगाया, फेसबुक पर लगा 12 करोड़। मोदी जी समझते हैं इस पावर को, पिछले चुनाव में कांग्रेस नहीं समझ पाई थी, बिल्कुल। इस बार कांग्रेस ने समझा, देखो मोदी जी को उन्होंने टक्कर दे दी। जो मैं बात बता रहा था, 12 करोड़, दूसरी पार्टी ने 25 करोड़ लगाया। जैसे सुबह कोई भी बंदा मोबाइल खोलता था तो फेसबुक में लेबर की ऐड, इंस्टा पे फेसबुक की ऐड, यूट्यूब पे फेसबुक की ऐड, मतलब आम लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये आ ही रहे हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। जीते रहे, अब जो जो दिमाग में है वो, हाँ बैलेट पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या जी होता है ना कि भैया आप कोई पागल आदमी है, मतलब कोई पागल नहीं है, और आप उस तो पागल कहने लग जाओ, एक बारी कहोगे उस पर दो खुद को लगने लग खुद को जाएगा। लगने लग जाएगा। तो मतलब ऐसा माहौल बना, जैसे आपने एक इंटरव्यू शायद मैंने आपका ही सुना था, बोले देवीलाल जी हमेशा कहते थे चुनाव जीतना तो माहौल बनाना शुरू हवा करो, बनाओ, हवा हवा बनाओ, है हवा कहते थे, ना। तो वो ये कहते हैं चुनाव में कुछ भी करो पर हवा बनाओ, हवा से हवा चुनाव जीते हवा से जाते हैं। चुनाव जीतते। चलो हवा बना दी, अच्छा लगा रोहित भाई, नहीं बहुत बहुत बड़े बड़ा अच्छे धन्यवाद। विचार हैं आपके, और हरियाणा के लोग, युवा जो साथी हैं वो राजनीति में आए हैं। राजनीति गंदी है, पर गंदी तब तक रहेगी जब हम इसमें नहीं कूदेंगे, और कोई बेचारा कूद गया गलती से तो उसको फिर वोट दो आप लोग, बिल्कुल, है ना, तभी ठीक होगी चीज़ें। देखो ऐसा होता है धर्मेंद्र भाई, गंदगी सफाई वो आपका दृष्टिकोण होता है, आप किस चीज़ को कैसे देखते हो। जो जिसको हम गंदगी भी बोलते हैं वो भी कई जगह खाद का काम करती है। अभी हमारे एक एमएलए हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि मेरी जगह कोई नया आदमी अगर विधानसभा में जाता है तो उसको बहुत दिन तो बाथरूम भी नहीं मिलेंगे। आप ये मेरे पे तंज कस रहे हो ये हमारे भी विधायक ने कहा है, बेरी के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह का तो ये दाड़ ने बाथरूम कहा। ढूंढना कितनी मुश्किल काम हो गया है कि चंडीगढ़ जाके, हाँ, अब मैं तो विधायक नहीं हूँ, बाथरूम तो मुझे भी मिलता है, वहाँ पे सबको मिलता है, तो मतलब एक नया कैंडिडेट अगर उनकी जगह चला गया तो उसको बेचारे को बाथरूम भी नहीं मिलेंगे। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। क्या जवाब दिया आपने? हमारी डिग गलगौशाला में एक पंचायत हुई थी, सिर्फ किसी राजनीतिक उसको लेकर हुई थी, तो वहाँ जो भी प्रवक्ता है वो इसी बात का निंदा करे, आलोचना करे कि भाई डॉक्टर रघुवीर साहब को ऐसा नहीं बोलना गलत कहा चाहिए। उनको, उसके लिए रिग्रेट फील करना चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई जब वो युवाओं को ऐसे बोल रहे हैं तो भाई उन्हीं के हलके के एक लड़के ने, गांव धानलाण के ने, इंग्लैंड में बाथरूम टो दिए, तो चंडीगढ़ कौन सी दूर है भाई। ठीक बात है, बाथरूम ढूंढना कौन, वो एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे थे उस माध्यम से, जहाँ तक मैं डॉक्टर का ध्यान, कि चंडीगढ़ जाके फिर उसका पॉलिटिकल सिस्टम समझना ये मुश्किल काम है, उनका सांकेतिक था, पर वो बात चलेगी दूर तक। मेरे ख्याल से काफ़ी उनकी इस बात पे कंट्रोवर्सी भी हाँ, होती है। काफ़ी कंट्रोल। वो पता है क्या है, अभी देखो वो हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय, 80 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, उनको अब आदर्श बनना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है कुर्सी को ही नहीं छोड़ता रोहित ना। तो भाई, अब इसलिए तो जबान फिसल रही है ना। हाँ, हरियाणा में कुर्सी जिसको मिल जाए वो उससे चिपक जाता है फेविकोल की एक तरह। हाँ मिनट और लूंगा धर्मेंद्र भाई, पीछे पंजाब का चुनाव हुआ था, प्रकाश सिंह बादल शायद कभी कोई चुनाव नहीं हारे थे, जिंदगी का आखिरी चुनाव हारा है उन्होंने, हार के याद है हार के उसको। मर गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए। ठीक है, पंजाब में कितने बड़े बड़े लीडर पंजाब हैं में बहुत सारे नेताओं की रिटायरमेंट आम आदमी पार्टी ने कर दिए लास्ट चुनाव में हार के कर दी कर दिए। उनकी, और और हारे भी किन लोगों से, बिल्कुल जिनको ये समझा जाता है नौ सिक्के की हाँ, राजनीति नो कर सिक्के, रहे हैं। तो देखिए नौजवान को हर चीज पता है, चंद्रयान पे नौजवान ही जाता है, वो ही उस पर काम नहीं, करता यहाँ है तो रोजगार मांगने पे भी चंद्रयान पे भेज देते हैं ये सुना मैंने आपका नहीं, रोहित चले बढ़िया है। अहलावत भाई की बातें कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और देखो कितनी बड़ी बात है कि बोरो काउंसलर के पद पे रोहित भाई धांधला रोहतक में से निकल के वहाँ तक पहुँचे, और हम भाई के लिए उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये एक दिन वहाँ के MP भी बने और उससे भी बड़े पद पे जाएं। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई, नमस्कार।